अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ शाकिर अल मशकी और इस वक्त काम होने जा रहे हैं इमाम हसन मुस्तफ़ा के शहजादे जनाब मोहम्मद और फातिमा की कब्रें बनाने जा रहे हैं संगमरमर। तो एक मोमना ने हदिया पेश किया और उसने हिम्मत दिलाई तो उनकी कब्र जो सीमेंट पे बनी हुई थी अब इसको संगमरमर के बेहतरीन बनाने जा रहे हैं। एक ये है और एक और कब्र है, वीडियो आखिर तक देखिएगा। मैं आपके साथ शाकिर अल मशकी। कितनी खूबसूरत कब्र बन गई है माशाल्लाह। चले जी मुझे दुआ दीजिएगा, वीडियो आखिर तक देखते हैं, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम यानी अस्सलाम मदद में आपके साथ शाकिर अली नश्की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमाम हसन मुश्तबा के शहजादों पर। एक बहन ने कुछ शुरू में हदिया दिया और कहा कि इनकी कब्रें जो हैं, मैंने पहले बताया था इनकी बनाना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि मेरी तरफ से कब्र बनाएं। बहरहाल उन्होंने जो भी दिया तो एक कब्र में वो पैसे आए, दूसरे मोमिनीन के पैसे, और मिला सला के इंशाल्लाह ये काम जारी है। इमाम हसन मुश्तबा जो है उनका शहज़ादा जनाब मोहम्मद और जनाब फातिमा सामने ज़ियारत मोहम्मद इब्ने इमाम हसन और फातिमा बिनत इमाम हसन मुश्तबा। ये कब्रें जो बिल्कुल सीमेंट के पहले बनी हुई थी और अब जो है वो माशाल्लाह से कब्र से चेंज होके, मुझे दुआ दीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कब्र मुबारक थी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये इनकी कब्र माशाल्लाह। ये इनकी असल कब्र है, बीबी जो है शहजादी है। रज़िया बीबी सफिया मोहम्मदी, उनके लिए दुआएं, और एक दो मोमिन थे जिन्होंने हदिया दिया, उनके लिए भी दुआएं बहुत सारी। मोहम्मद قال لي دان مر ولا كيف في عفريها هاي الفل يسوي داخل الداخل وغير لي هذا يعني شري هذا चले जी। तो माशाल्लाह जी जनाब यूसुफ इब्ने मूसा कासिम अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा है वो भी ज़ेर तामीर है, ये भी चल रहा है। इमाम मूसा कासिम के जो दो शहज़ादे और हैं जनाब जाफ़र और इस्माहील और बीबी हाशमिया, वो भी चल रहे हैं, उनकी रोज़े के काम भी कब्र के। ये पहली वीडियो में आपने देखा होगा कैसे था और अब आप देख सकते हैं। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये बहुत बड़ी सआदत है जो मैं करने जा रहा हूँ मोमिन के तवस्सुत से। इस तरह इराक के बहुत ज़्यादा इस तरह के शहजादे हैं जो वीरानों में हैं, सहराओं में हैं, तो उनकी कब्रें ताबान हैं, उनके रोज़े। तो मौला ने मुझे तौफीक दी है उन रोज़ों पे भी काम करेंगे। ये कासिया शहर में है, नजफ अशरफ से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर जनाब इमाम हसन मुश्तबा के शहजादे मोहम्मद और फातिमा। किन हाल में इनको शहीद किया गया, क्या हुआ, और ये रास्ता जब चश्मे इमाम हसन पे आता है राइट हैंड पे, बहुत सारे मोमिन को मैंने बताया वो आए हैं ज़्यारत करके, तो मेरे वीडियो के बाद ही यहाँ पर लोग आना शुरू हुए। तो यही फ़ायदा हुआ है कि जितनी भी ये ज़्यारत वगैरह हैं लोगों को जो मैं बता रहा हूँ उधर आ रहे हैं।
وهناك عندكم كذار المرة اللي لقيناها جات لا يشتغلون اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد دنس تعال صارت ये शहजादा मोहम्मद की कब्र है और पहले जिस हाल में है आप देखें अब इसको जिस तरह हाल में हम लेके आएंगे वो भी आप देखिएगा इंशाल्लाह कितनी खूबसूरत की कब्र संगमरमर से बनाने जा रहे हैं किस तरह मार्बल सारे इस पर लगाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी इंशाल्लाह। ये असल कब्र है जनाब मोहम्मद की और किसी आप ज़्यारत कर रहे हैं जिसके लिए मैं कह रहा था कि आपको ज़्यारत कराने जा रहा हूँ जनाब मोहम्मद और फातिमा उनकी असल कब्रों की। तो ये ज़री के अंदर जो है इनकी असल कब्र है जिसकी आप ज़्यारत कर रहे हैं। ये सहरा बयाबान वहाँ पे इनका रोज़ा है। तो फामोमिन जो भी पाकिस्तान से या जहाँ से भी आते हैं इनके रोज़े पर ज़रूर आएँ और ज़्यारत करें। ठीक है जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएँ जिसने मेरे ऊपर ज़िम्मा लगाया कि इनके रोज़े पे आप शाकिर भाई जाएं तो हमारे लिए आपने दुआ करनी है। तो मैं इमाम हसन मुश्तबा के शहज़ादे पर आपके सलाम देता हूँ। हे मेरे शहज़ादे, मेरे आका, मेरे मौला जनाब मोहम्मद फ़ातिमा, मैं आपके दर का एक खादिम हदना, हमारे माँ बाप आपके दर के ग़ुलाम और कनीस, मौला जितने भी मेरे ऊपर जिसने ज़िम्मा लगाया उन सब के सलाम कबूल फरमा। ए शहज़ादा मौला हसन जनाब मोहम्मद फ़ातिमा आकाज़ादी, लाखों दुरूद व सलाम आप पर। जितने भी जिस मोमिन ने हिस्सा दिया है उनके ऐसे को कबूल फरमा इलाहिया में। ये जो जाली है इसको हम कलर कराना चाहते हैं, खूबसूरत कंडीशन में ले आते हैं। देखते हैं अब अगली मरतबा हम क्या कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं इसको अच्छी कंडीशन में लेकर आएँ। तो काम बाकी है और तो देखें मौला हसन कैसे देता है। अगर हम दुनिया में चले जाते हैं ये शहज़ादे हमारे कब्र के आगे खड़े हो जाएं हमारे लिए निजात के लिए ही काफ़ी। दुआ करें ये तामीराती काम मुकम्मल हो जाए। तो यहाँ पे ये जो यहाँ का मुतवली है वो चाहते हैं यहाँ पे कुछ बनाना चाहता हूँ मैं इस साइड पर। तो दुआ करें कि ये इसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए इंशाल्लाह। बहुत सारे रोज़े हैं जो उनकी तामीराती काम जो है ज़रूरी है और इंशाल्लाह इन मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा कौन सा रास्ता कहाँ से जाता है कैसे जाना होता है। गाइडलाइन चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ सारा कुछ। ठीक है जी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मोमिन जो है इल्तमास करता हूँ ज़रूर और ज़रूर इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। तो मौला हसन मुश्तबा आपसे राज़ी हूँ, उनके शहज़ादे के रोज़े हैं। तो जो भी इसको शेयर करें वो दूसरे मोमिन तक पहुँचाएँ, मौला उनको शाद और आबाद रखे, सदा आबाद रहें आप सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। चलिए जी, मेरा तो दिल कर रहा है बार बार आपको ज़्यारत कराऊँ बार बार, और इसी दर से दुआ मांगूँ कि मौला हुसैन आपको दर इन शहज़ादों की ज़्यारतें आप सबको नसीब करें इलाही आमीन। एक सब मिलकर सलवात करेगा। और वीडियो देखने के बाद आप सब ने ज़रूर शेयर करनी है और ये वीडियो आप तक अमानत है। और मुहर्रम में भी आता हूँ, यहाँ सारे बैनर लगाता हूँ, कब्रों पर काले चादर चढ़ाता हूँ, परचम कुशाई यहाँ पर मैं खुद अपने हाथों से करता हूँ। तो इंशाल्लाह जब आप में से कोई आएगा, किसी को एड्रेस चाहिए जो भी या गाड़ी चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि नजफ़ से यहाँ पर कैसे आते हैं, ज़्यारत कैसे करते हैं।
ये शहजादे मौला मूसा काजम के शहजादे जनाब यूसुफ चश्मे इमाम हसन, जिसमें इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लबे क्या उसे वालेकुम या अली सलाम मदद में आपके साथ शाकिर अली नजफी इमाम हसन मुश्तबा की जो हमने कब्र का तामीराती काम शुरू किया मुकम्मल हो चुका है। इतना खूबसूरत इमाम हसन मुश्तबा के शहजादे की कब्र और शहजादी की कब्र बनाई गई है, आप देख सकते हैं। क्या ही बात है, खूबसूरत जिस तरह मैं तमन्ना रखता था उससे कई मरतबा खूबसूरत की कब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। पूरी खूबसूरत तरीके से ये कब्र जो है मुकम्मल। अल्लाह, अब इसके ऊपर चादर इंशाल्लाह मेरी मलाइका सिस्टर ने बहन ने इनके चादर का हदिया दिया है, 6 माह पहले दिया था, तो अब उनके ऊपर चादर चढ़ाई जाएगी, खूबसूरत चादर इंशाल्लाह। इमाम हसन मुश्तबा का शहजादा जनाब मोहम्मद, ए जनाब मोहम्मद, जिस जिस मोमिन और मोमिना ने आपको सलाम दिया उनके सलाम कबूल फरमा, इस तामीराती काम में हिस्सा लिया उनका कबूल फरमा। वो मोमिन जिन्होंने चहलम में हदिया पेश किया था सबील न्याज का, उनके कुछ पैसे रह गए थे उसको भी इसमें शामिल किया ताकि आपका सवाब बेहतरीन जगह से आपका हदिया कबूल किया जाए। अल्लाह मैं सदकी जाऊँ मौला आपकी शान पर शौकत पर, संगमरमर की खूबसूरत, क्या ही बात है। मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी सआदत के लिए और क्या है, मेरे आबा अजदाद की बख्शिश है। ये एक शहजादे की कब्र और ये खूबसूरत, पहले नीचे भी ख़राब था उसको बेहतरीन तरीके से मैंने कहा इसको बनाओ। ये देखिए खूबसूरत पट्टी लगाई गई, ये शहजादी है उनकी कब्र है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। कितनी खूबसूरत कब्र बनाई है संगमरमर की, दिल खुश हो गया मेरा तो क्या ही बात है, जिस तरह मैं चाह रहा था उससे खूबसूरत ज़्यादा। चले जी, अल्लाह आप सबको शाद और आबाद रखे, और रज़िया बीबी और हर्षद भाई और जो है काजमिया हमारी बहन है वो, और फराज़ भाई, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। कि ये कब्र छोटी जो थी वो हमारे दोस्त फराज़ भाई हैं, उनकी वाइफ और उनके बच्चों की तरफ से बीबी शहजादी, और मौल हसन का जो है बीबी रज़िया सिस्टर जो है। मेरी दिल खुश हो गई माशाल्लाह। रहता है अगर कोई मोमिन आने बन चढ़ता है तो ये रोक दिया, इनके पास पैसे ख़त्म हो गए। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं मोमिनी तक पहुंचा रहा हूँ, मीनार तक तकरीबन ख़र्चा जो आएगा मैं पूछ के आपको बताऊँगा, 2 से 2500 डॉलर तक ये काम शायद हो जाए मुकम्मल, इसकी मीनार पूरे जो है ना, और जो बच गए तो वो कहीं इस्तेमाल करेंगे, बाकी इसके कुबे का भी मेरे ख्याल से काम है या मीनारों का भी काम है, जो भी इन्होंने अपनी ज़बान से जो मुझे बताया 3 मिलियंस, तो देखें अब देखें कहाँ तक इसको लेके जाते हैं। मौला आप सबको सलाम, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, बेहतरीन काम करने जा रहा हूँ। वीडियो आखिर तक देखिएगा, मैं शुरू मराइल में किस तरह का दिखा रहा था, किस तरह काम चल रहा है और अब कितनी खूबसूरत कब्र पहुँच चुकी है। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफी।